4th फरवरी 2023 एक यूएस मिलिट्री फाइटर जेट ने एक चाइनीज स्पाई बलून को शूट करके टेक डाउन किया। इसके बाद मानो एक बड़ा और महा अध्याय शुरू हुआ, अध्याय एलियंस का, एक नया दौर एलियंस का। क्योंकि चाइनीज बलून को गिराते ही यूएसए में एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर यूएफओस दिखने चालू हो गए। यूएस मिलिट्री ने भी एक एक कर उन्हें मार गिराना चालू कर दिया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मैं यूएस मिलिट्री 3 ऐसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स गिरा चुकी है। अब इन सारी घटनाओं को देख ऐसा लग रहा है आगे ऐसी साइटिंग्स और शूटिंग्स और भी बढ़ने वाली है। इसलिए इस पे खुद यूएस रिप्रेजेंटेटिव डॉबी डिंगल ने ये सवाल पूछा था कि वी नीड द फैक्ट्स अबाउट वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, व्हाट देयर पर्पस इज एंड व्हाई देयर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। अब ये सुन तुम्हें नहीं लगता आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी? वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट एंड चलिए एक्सप्लोर करते हैं। 14th नवंबर 2004 सैन डिएगो कैलिफोर्निया के तट से 100 मील दूर यूएसएस निमिट्स यूएस नेवी की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक पर्शियन गल्फ के तरफ रवाना होने ही वाली थी कि तभी एक विचित्र घटना हुई। उन्हें अपने रेडार में कुछ दिखा, कुछ अनदेखा और अजीब सा। आप खुद उस दिन के मिलिट्री रिपोर्ट को देख लो, उसमें ये लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिसेंडिंग फ्रॉम अराउंड 60,000 फीट डाउन टू 50 फीट इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। एक मिनट, 60,000 फीट। बस एक क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं ना वो 36,000 फीट पे उड़ते हैं। रिपोर्ट में आगे इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि होवर फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड डिपार्ट एट सुपर हाई वेलोसिटी विथ एडवांस एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज। जिसके बाद मानो यूएस नेवी तक के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने 2 FA-18s उनके फाइटर जेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह पे भेज दिया। नाउ अगेन उस दिन के रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स ने कहा पूरे नीले आसमान में एक बादल नहीं था, मानो उनकी विजिबिलिटी अनलिमिटेड थी। और जैसे ही दोनों नेवी पायलट्स उस जगह पे पहुंचे जहां उन्हें वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट रेडार पे स्पॉट हुआ था, उन्हें नीचे पानी में कुछ अजीब होते हुए दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रॉस शेप का बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो एक एरोप्लेन जितना बड़ा था वो नीचे पानी में डूब चुका था, जिसके वजह से उसके ऊपर मौजूद पानी ऐसा लग रहा था जैसे वो उबल रहा हो। और उस पानी के ऊपर उन्हें एक वाइट टिकटैक सी चीज उड़ते हुए दिखी, पर इसमें कुछ अजीब था। उसमें ना ही कोई प्रोपल्शन सिस्टम था और ना ही उसके पास कोई विंग्स या कहो पंख थे। उसे देख पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज उड़ कैसे रही थी। बस फिर क्या था, ये जानना उनके लिए काफी जरूरी था कि आखिर ये है क्या, आखिर ये आ कहाँ से रहे और उसके अंदर मौजूद क्या है। इसलिए उन दोनों पायलट्स में से एक ने डिसाइड किया कि वो नीचे जाके उस ऑब्जेक्ट को एकदम क्लोज से देखेगा और दूसरे ने कहा वो ऊपर से उस पे बाफ की तरह अपनी नजरें गड़ाए रखेगा, अगर उसमें कोई भी अजीब गतिविधि हुई तो वो उसे ऊपर से ही खत्म कर देगा। बस फिर जैसे ही एक जेट उस चीज के नजदीक होना चालू हुआ, मानो उसे पता चल गया कि कोई उसके नजदीक आ रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट में गतिविधि हुई। वो धीरे धीरे ऊपर आना चालू हुआ और जैसे ही पायलट्स को लगा कि वो अब उसे कुछ ही पल में देख लेंगे, तब अचानक उस पायलट के नाक के नीचे से वो चीज पलक झपकते ही गायब हो गई। अचानक उसकी एक्सीलरेशन इतनी बढ़ गई कि पायलट्स को समझ ही नहीं आया कब वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। उस पूरे खुले आसमान और समंदर में वो चीज कहां गायब हो गई समझ में ही नहीं आया। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की जो क्लिप्स मैंने आपको बताई है वो एक्चुअली में रॉ फुटेजेस है, उसमें मैंने ज़रा भी एडिटिंग नहीं की है। और ये बात है 2004 की जब ये सब हुआ था और यूएस नेवी ने ये सब दुनिया से छुपा के रखा था। वो तो क्या है, फिर 2007 में एक पायरेटेड वेबसाइट अबाउट ऑफ सीक्रेट पे ये फुटेजेस लीक हो गए, जिसके बाद पेंटागन ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि ये ओरिजिनल फुटेजेस है और ऐसा सच में हुआ था। इस 2004 की घटना के बाद मानो एक नया दौर ही चालू हो गया है, यूएफओ इन्वेस्टिगेशन का दौर। नए दौर की शुरुआत होते ही पेंटागन को मानो नई नई कहानियां मिलना शुरू हो गई, जैसे 2014 में एक यूएस नेवी जेट समंदर में एक अजीब सी चीज का पीछा कर रहा था। अब वो क्या था उसका तो पता नहीं, पर आप उस जेट में मौजूद पायलट्स का ये चैट सुनो। फिर इसके अगले ही साल एक नेवी पायलट ने सेम ही जगह पे एक अजीब राउंड ऑब्जेक्ट को सुपर हाई स्पीड पे पानी के ऊपर से गुजरते हुए देखा।
Did you talk to moving car? No, I took an auto train. Oh, okay. Oh my gosh, dude. फिर 2019 में एक नेवी सेलर ने अपने कैमरा में ये रिकॉर्ड किया। फिर 2021 में एक नेवी पायलट जब अपने सेलफोन से जेट के विंडो से रिकॉर्ड कर रहा था, तब उसने ये कैप्चर किया। शायद आपको दिखा नहीं होगा, फिर एक बार देखो। बॉस क्या है ये? एंड माइंड यू, ये वीडियोस लेजिट एंड ऑथेंटिक है, जिन्हें खुद US मतलब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया है। और जैसे जैसे वक्त के साथ ऐसी घटनाएं बढ़ती गई, तब फाइनली 2021 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आगे आया और उसने एक ऑफिशियल टास्क फोर्स बनाया नेम्ड अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन टास्क फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में UFO पे रिसर्च करने वाली एक ऑफिशियल कमेटी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, जिसके बाद 2022 के एंड में इन्होंने ऐसे 366 केसेस रिकॉर्ड किए थे जिसमें ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को किसी ना किसी ने देखा था। और अब 2023 के शुरुआत में आप खुद ऐसी न्यूज देख ही रहे होंगे कि रिसेंटली लास्ट संडे 12th फरवरी 2023 को एक US फाइटर जेट ने लेक ह्यूरन पे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शॉट डाउन किया, क्योंकि वो सेंसिटिव मिलिट्री साइट से काफी नजदीक उड़ रहा था। फिर एक F-16 ने AIM-9X मिसाइल लॉन्च किया ग्रेट लेक पे, जिसके 20,000 फीट ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उड़ रहा था। और अब फर्स्ट बलून जो चाइना का था, जिसे चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया था, वो अब ये कह रहा है कि ये सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसके नहीं है, जिसके वजह से पेंटागन ये खुद नहीं जानता कि आखिर ये सब है क्या, इन्हें भेज कौन रहा है और आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं। और आज इस सब को इंटरेस्टिंग क्या बना रहे, US मिलिट्री ऑफिशियल्स आज भी ये मानने तैयार नहीं कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजीज है। इनफैक्ट जब यही सेम सवाल जनरल ग्लेन वेनहर, कमांडर ऑफ US नॉर्दर्न कमांड एंड द नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नॉर्ड से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि आई विल लेट द इंटेल कम्युनिटी एंड द काउंटर इंटेलिजेंस कम्युनिटी फिगर दैट आउट, आई हैवंट रूल्ड आउट एनीथिंग एट दिस पॉइंट, वी कंटिन्यू टू एक्सेस एवरी थ्रेट और अननोन पोटेंशियल दैट अप्रोचेस नॉर्थ अमेरिका विद एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई इट। और लास्ट मंथ पेंटागन की अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ने मीडिया के सामने आके ये कहा कि अभी फिलहाल उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो उन्हें ये विश्वास करने पे मजबूर करे कि ये सारे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एलियंस के हैं। सो विद दिस मैं तो यही कहूँगा कि आज हमें कुछ पता नहीं है। इन सब घटनाओं को देख और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के वजह से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे फिलिंग द ब्लैंक्स बन चुके हैं, जिसके आंसर क्या है कोई नहीं जानता। इसलिए द बेस्ट पॉसिबल आंसर आज हमें एलियंस लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे सारे सवालों का जवाब दे देता है। आई नो ऐसा सोचना सही नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सच में इस इतने बड़े और विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट बींग्स मौजूद है? और एक फेमस साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दिया था, द ड्रेक्स इक्वेशन, जिसके मुताबिक देर आर 51% चांसेस दैट वी आर अलोन, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले, और 49% चांसेस है कि हम अकेले नहीं हैं। 49%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलियंस और उसकी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में मानना चालू कर दो। आई एम जस्ट सेइंग कि आज हम यूनिवर्स के सिर्फ 5% के बारे में ही जानते हैं, उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में क्या है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो वी शुड बी ओपन टू डिफरेंट थियोरीज जो हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दे। जो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। टू द वॉर इन यूक्रेन, द एज ऑफ द डायनासोर्स, वॉल स्ट्रीट इज अबाउट टू क्लाउड, लिफ्ट ऑफ, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, द ज्ञान स्पॉट।